हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं आपका दोस्त रंजन। मैं आज आपको बताऊंगा जो पी टाइप का पंप आता है फ्रेंड, जो 909 का पंप जो आता है उसको रिमूव करके मैं इनलाइन पंप पी पंप डाला हूँ, टीसी का पंप डाला हूँ। उसमें आप खिंचाई एवरेज पिकअप सब ओके है, टनाटन है। ये देखिए, ये पंप निकल दिया हूँ गाड़ी से। ये 22 चक्का MW का 49-23 गाड़ी में लगता है फ्रेंड्स। तो इसको रिमूव करके मैं अभी इनलाइन पंप डाला हूँ, और कैसा रीडिंग मारेंगे अल्टर रीडिंग वो दिखाऊंगा मैं फ्रेंड्स, ठीक है। फ्रेंड्स, मैं 297 का पंप लिया हूँ। आप कमिंस का, टीसी का, इनलाइन पंप कोई भी पंप लेके आप अल्टर कर सकते हो उसको 909 का पंप को हटा के डाल सकते, लेकिन उसमें FW02A10 644 नंबर का जो उरल किट आता है वो किट डालने का फ्रेंड्स। 311 नंबर का जो नोजल रहते हैं, ठीक है, 6 होल वाले जो नोजल है वो किट डालेंगे, ठीक है। मैं इसको एलिमेंट भी डाला हूँ। अभी रीडिंग के क्या रखना है वो बताऊँगा मैं फ्रेंड्स, अल्टर रीडिंग। वो अल्टर करके मैं रीडिंग मार के दिया हूँ, गाड़ी भी पूरा ओके हो गया, कस्टमर भी खुश है फ्रेंड्स। मतलब उसमें खींचे वो पम्प में अगर बनाने जाए तो खर्चा बहुत आता था, 70-80 हज़ार का खर्चा आ जाता है, लेकिन इसको पूरा पूरा सामान डालने के बाद भी 30 हज़ार के ऊपर खर्चा नहीं जाता है इनलाइन पंप में, ठीक है। तो कस्टमर बोला डायरेक्ट अल्टर कोई पंप नहीं बैठेगा क्या? तो मैं बोला ATC पंप बैठा के एक बार ट्रायल करके देखेंगे सक्सेस होता है कि नहीं। तो हमारा सक्सेस हो गया फ्रेंड्स। तो सबसे पहले फ्री स्टॉक मिलाएंगे। फ्री स्टॉक मिलाने के लिए जो टाइपेट का ये है वो गेज लगाना पड़ता है फ्रेंड्स। ये फ्री स्टॉक का स्टैंड है, इसमें डायल गेज लगा के उसका फ्री स्टॉक मिलाना पड़ता है, ठीक है। तो फ्री स्टॉक मिलाने के लिए जो लोअर प्लेट में जो कट रहता है फ्रेंड्स वो सामने लाने का, उस सामने ला के गेज ऐसे बैठा देने का। और एक भाई मेरे को कमेंट किया था कि RQV गवर्नर का पंप का टेस्टिंग का रीडिंग जो कैसा रखते वो वीडियो बनाओ, तो भी आप देख सकते फ्रेंड्स। वो RQ गवर्नर का भी पंप है। तो इसमें तो मैं 909 का पंप हटा के रीडिंग रख रहा हूँ तो वो हिसाब से है, लेकिन आपके पास कोई भी RQV गवर्नर का अगर पंप आता है तो आप यही हिसाब से चार्ट देख के रीडिंग मार सकते हैं। सबसे पहले तो टाइपेट नीचे से ऊपर आना चाहिए फ्रेंड्स। एक दो बार ऐसे हमारा जो मशीन का पुली है वो हिला के देख लेने का, नीचे से ऊपर आना चाहिए टाइपेट, ठीक है। और ऊपर से नीचे नहीं जाना चाहिए, नीचे से ऊपर आएगा और एक नंबर उठेगा, फिर फायरिंग ऑर्डर जो है 1-5, फिर उसके बाद एक राउंड में 5 नंबर उठना चाहिए। तो उस पीरियड में आप गेज को एक दो बार हिला के 0 मिला लेने का ऐसा, ठीक है। डायल गेज को 0 मिला लेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए, मैं 0 मिला दिया हूँ, और 0 से 0 है वो आएगा एक राउंड तो 1 होता है फ्रेंड्स। फिर और 1 0 आ गया, 2 राउंड, हम 320 रखेंगे, ठीक है, 3.20 रखेंगे फ्रेंड्स। ये 3 हो गया है, ये 20 है फ्रेंड्स, 320 रखेंगे। 320 आने के डायल गेज में फ्रेंड ध्यान रहे, 320 उधर उधर डायल गेज में आ गया तो इधर पुली को ध्यान देना है। पुली में जो आपका जहाँ पे रॉड लगता है वो होल के आसपास, ये देखिए 320 आ गया हमारा इधर। 320 पहले मिला लेने का, 320 मिलाने के बाद ये पुली होल के आसपास जो ऑंक है, आपको जो सुविधा लगेगा ऑंक उसमें आपको जो पट्टी है पुली का जो पट्टी है वो वहाँ पे रख लेने का फ्रेंड्स। 320 में 1 नंबर सिलेंडर में, क्योंकि हमारा फायरिंग ऑर्डर 1-5-3-6-2-4, तो 1 नंबर सिलेंडर में ये पुली का जो लाई है पट्टी है वो मिला लेंगे। देखिए ऐसा रख लेंगे 320 में, डायल गेज में 320 होना, और इधर पट्टी मिलाएंगे, ठीक है। ये मिला दिया हूँ पट्टी। ये पट्टी मिलाने के बाद फ्रेंड्स ये ऊपर का जो 11 नंबर का बोल्ट है वो ढीला कर लेंगे। ये अभी हम फ्री स्टक मिला रहे, ठीक है, ये ढीला कर लेंगे। और RQV गवर्नर का कोई भी पंप्स जो सिस्टम है फ्रेंड्स, यही सिस्टम है, सिर्फ चार्ट में अलग अलग MM का अलग अलग ये होगा, रीडिंग होगा, ठीक है। और कोई भी पंप अगर आप टेस्टिंग कर रहे तो चार्ट के हिसाब से नहीं बनाने का फ्रेंड्स, 2-3 CC ज़्यादा ही रखने का। चार्ट के हिसाब से बनाओगे तो पिकअप खिंचाई और माइलेज का प्रॉब्लम आता है, ठीक है। पूरा मैं ढीला कर दिया हूँ। ढीला करने के बाद गैज रिमूव कर देंगे, क्योंकि हमारा 320 आ गया है। तो ये जो कॉटन सिलू है सेंटर में लेके
मशीन को चालू करेंगे फ्रेंड्स। चालू करने के बाद उसको प्रेशर देंगे, डीजल का प्रेशर देंगे, ठीक है। प्रेशर देंगे, देखिए मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूँ, गैस को ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूँ, ऐसा प्रेशर बढ़ाएंगे, लेकिन कंट्रोल रॉड सेंटर में रख के बढ़ाने का प्रेशर, नहीं तो इधर फ्रीस्टॉक जो कट ऑफ होता है वो डीजल आएगा नहीं, ठीक है, फ्यूल नहीं आएगा। ये देखिए प्रेशर बढ़ा रहा हूँ फ्रेंड्स मैं, ओके। ये देखिए अभी इधर प्रेशर बढ़ गया तो उधर ऊपर आ जाएगा डीजल फ्रेंड्स, फ्यूल आ गया, देखिए इधर धार लगने लग गया है। तो एक नंबर का जो हम 320 में सेट किए पट्टी को, ये देखिए अभी कटअप करेंगे उसको, नीचे से ऊपर आना चाहिए टाइपेड। ये देखिए कटअप कर रहा हूँ, वहाँ पे कटअप हो रहा तो थोड़ा जहाँ पे सेट किया था वहाँ नहीं जा रहा, कहाँ गया डायल गेज में, देखिए वो कहाँ तक जा रहा। तो इसके लिए देखिए ड्रॉप ऐसा 10 सेकंड में एक बूंद गिरना चाहिए, 10 सेकंड में एक थोड़ा थोड़ा ड्रॉप होना चाहिए, ठीक है, ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। गेज को फिर निकल देंगे फ्रेंड्स, अगर टाइट करने के लिए मतलब बढ़ाने के लिए जो पट्टी जहाँ पे सेट किए थे फ्रेंड्स, बढ़ाने के लिए वो टाइट करना पड़ता, कम करने के लिए ऊपर लेना पड़ता टाइपेड स्क्रू को, ठीक है। नीचे लेंगे तो बढ़ेगा, ऊपर लेंगे तो कम होगा फ्रेंड्स। ये टाइपेड क्लियरेंस है, ऐसे ढीला कर लेंगे, नीचे का ढीला करेंगे पहले, नीचे का ढीला करके ऊपर का नट को कम ज़्यादा करते फ्रेंड्स। ऊपर का जो नो स्क्रू है नट को, पहले नीचे का नट को ढीला करना है, फिर ऊपर का स्क्रू को थोड़ा टाइट करेंगे, क्योंकि हमारा जा नहीं रहा था जहाँ पे गेज सेट किए थे पट्टी, गेज लगा के वहाँ तक नहीं जा रहा था, तो हमारे को थोड़ा टाइट करना पड़ेगा, टाइट करेंगे तो जाएगा, ठीक है। और टाइपेड क्लियरेंस मिलाने का मतलब बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, ये 0.02 का mm का प्ले होना चाहिए ज़रूरी, ठीक है, 0.2 mm का प्ले होना चाहिए फ्रेंड्स। ये देखिए अभी एक नंबर धार लग रहा है, अभी मैं ड्रॉप करता हूँ उसको। फ्री स्टॉक मिलाने का जो थियोरी है फ्रेंड्स, ये सेम है, ऐसा ही है कोई भी पंप हो, ठीक है। अगर 6 सिलेंडर है तो 6-6 गिनना पड़ता है, 360 डिवाइड 6 करना पड़ता। अभी यहाँ से जहाँ पे सेट हो गया फ्रेंड्स, वहाँ से 6 गिनना है, 1 2 3 4 5 6 6, फिर 6 गिन के वहीं जो अंक आएगा वहाँ पे 5 नंबर का कटअप होना चाहिए। हमारा क्योंकि फायरिंग ऑर्डर 1 5 3 6 2 4 है, तो ऐसा 5 नंबर कटअप होना चाहिए, ठीक है। फिर वो 5 नंबर अगर सेट करने के लिए फिर टाइपेड को ऊपर नीचे करके वहाँ पे सेट कर देंगे, फिर वहाँ से 6 गिनना है, ठीक है, 3 नंबर को कटअप करने के लिए। फिर वहाँ पे सेट होने के बाद 4 नंबर को कटअप करने के लिए फ्रेंड्स फिर 6 गिनना है, क्योंकि हमारा पुल्ली टोटल 360 डिग्री है, 360 डिग्री को डिवाइड 6 करेंगे तो 60-60 डिग्री में एक सिलेंडर कटअप होगा, तो 60 डिग्री माने 6 गिनेंगे ऐसा है, और 4 सिलेंडर होगा तो 360 डिवाइड 4 करेंगे तो 90 डिग्री में एक सिलेंडर कटअप होगा, तो 90 डिग्री मान ले तो वहाँ पे जहाँ से आप सेट किए होंगे वहाँ से 9 गिनने का, ऐसा ऐसा रहता फ्रेंड्स, ठीक है। और 3 सिलेंडर को 120 डिग्री में कटअप होता है, तो 12 गिनने का डायरेक्ट, जहाँ पर गेज मिलेंगे फिर वहाँ से 12 गिनना है, ठीक है फ्रेंड्स। फ्री स्टॉक ऐसा मिला जाता कोई भी पंप हो, फ्री स्टॉक पूरा होने के बाद टाइपेड स्क्रू पूरा टाइट मार देंगे, और ये ऐसा पेचकस में देखना ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि उसका प्ले जो क्लियरेंस है वो बराबर प्ले होना चाहिए। कभी कभी वो मतलब आप जो रखते जो हिसाब से वो कभी कभी जाम हो जाते, तो प्लेज देखना पेचकस में स्क्रू ड्राइवर में देखना ज़रूरी है, नहीं तो आप ऐसा सोचेंगे हाँ मैं 320 मिला दिया हूँ मेरा तो आ गया है, लेकिन प्ले टाइपेड भी वहाँ पे इतने mm का तो खेलना चाहिए ना, ठीक है। ये पूरा सिलेंडर अभी मैं मिला रहा हूँ फ्रेंड्स, ऐसे आप मिला सकते हैं 60-60 डिग्री में, मतलब 6 गिनेंगे 60 डिग्री में सब फायरिंग ऑर्डर के हिसाब से,
ये चार्ट में देख ही रहता है फ्रेंड्स, टेस्ट चार्ट में आप कोई भी पंप अगर लेंगे टेस्ट चार्टिंग में देख ही रहता है, तो इस हिसाब से आप मारेंगे फ्रेंड्स। लेकिन टेस्ट चार्ट में जो आखिरी वाला देता है वो मैं रखता हूँ फ्रेंड्स, तो उसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं है। जैसे 3 से 3 20 दिया होगा तो 3 20 रखता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। फ्री स्टॉक आप ऐसा मिला लेंगे, ये इनलाइन पंप है फ्रेंड्स, ये हमारा सबसे मतलब पहले निकला था, ये 400 बार के आसपास डेवलप प्रेशर डेवलप करता है, ठीक है फ्रेंड्स। मैं जैसा मिला रहा हूँ आप ऐसा मिला सकते हैं टाइपेड, किंतु टाइपेड मिलाने के बाद जो टाइपेड स्क्रू को ढीला करके मिलाने के बाद, लेकिन वो प्ले चेक करना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, प्ले देख लेंगे ठीक है। और टाइपेड मिलाना बहुत ज़रूरी है, कोई कोई अंदाजा से जैसे ऊपर कर देते पूरा स्क्रू को, फिर 6 7 गिन के उतार देते, ऐसा नहीं करना है, गेज लगा के ही मिलाना है फ्रेंड्स। अभी हम ये टाइमिंग लॉक करेंगे, इंजेक्शन टाइमिंग लॉक जो आता है फ्रेंड्स गवर्नर में, तो हमारा ये देखिए वो टाइपेड का पोजीशन जो है हाउसिंग अंदर साइड से, इनर साइड से हाउस टाइपेड जो है वो हाउसिंग से थोड़ा ऊपर होना फ्रेंड्स, हाउसिंग का जो लेवल है उससे थोड़ा ऊपर होना, ठीक है। चार्ट में तो ऐसे 6 डिग्री 7 डिग्री में देखी रहता है, वो हिसाब से नहीं करने का फ्रेंड्स, जो आप सिर्फ हाउसिंग का जो लेवल है उससे टाइपेड थोड़ा ऊपर होना, अंदर साइड का टाइपेड, टाइपेड का जो पोजीशन है अंदर साइड वाला होना, बाहर साइड का तो ऊपर ही जाता है फ्रेंड्स, बाहर साइड का देखिए बहुत ज़्यादा ऊपर है, ये देखिए बहुत ऊपर है, लेकिन अंदर से देखने का थोड़ा ऊपर रहना चाहिए। तो उधर अगर 7 6 7 कंपनी देता है, लेकिन वो 8 10 में चले जाता है, तो उससे कोई टेंशन नहीं है लोड नहीं लेने का, सिर्फ हाउसिंग का पोजीशन टाइपेड और हाउसिंग का पोजीशन बराबर देख लेने का फ्रेंड्स। अगर आप कंपनी के हिसाब से सेट करोगे ना, 6 डिग्री 7 डिग्री देख ही रहता है, ये देखिए मेरा 10 डिग्री में जा रहा, 6 7 में देता है तो उसमें व्हाइट स्मोक आएगा फ्रेंड्स, क्योंकि वो रिटायर्ड ही रहता है पंप। अरे मैं अल्टर कर रहा हूँ, 909 पंप के जगह में लगा रहा हूँ फ्रेंड्स, तो इसीलिए थोड़ा एडवांस ही रख रहा हूँ फ्रेंड्स मैं इसको, ठीक है। सबसे पहले गवर्नर को बिना रबर ऑफर लगा के ऐसे प्ले चेक करना है फ्रेंड्स, ठीक है। राउंड नॉट हल्का टाइट मार के राउंड नॉट का सिम डाल के प्ले चेक करेंगे, वो प्ले नहीं होना, प्ले होगा तो जो अपना बेरिंग सिम है वो डाल लेंगे राउंड नॉट में, और जाम होगा तो एलिमेंट सिम सामने से डालना है, फिर बाद में रबर ऑफर लगा के फ्रेंड्स, फिर राउंड नॉट का सिम लगा के राउंड नॉट लगाएंगे, ठीक है। ये देखिए राउंड नॉट लगाते हैं, राउंड नॉट को फुल टाइट नहीं मानना है फ्रेंड्स, सबसे राउंड नॉट जो अपन वहाँ पे 10 डिग्री टाइपेड का जो पोजीशन हाउसिंग का पोजीशन जो सेट किए, उसके बाद इधर टाइमिंग लॉक लगाएंगे, जो टाइमिंग लॉक का डीच्यू बोलते फ्रेंड्स, ऐसे देखिए प्ले चेक कर लेने का। सबसे पहले गवर्नर का प्ले ऐसे घुमा के फ्री रहना चाहिए, और फ्री भी रहना चाहिए और प्ले भी बराबर प्ले नहीं होना चाहिए, ज़्यादा प्ले नहीं होना। अगर प्ले होगा तो यहाँ पे बेरिंग सिम डाला जाता, जो आप कैमशाफ्ट के बेरिंग स्मॉल वाला जो बेरिंग सिम आता फ्रेंड्स वो डाल देने का एक, अगर प्ले ज़्यादा होगा तो। अगर जाम होगा तो एलिमेंट का जो सीट वाशर आता फ्रेंड्स वहाँ पे उसको ऊपर में डाल देने का एक, ठीक है। ऐसा डाल के आप मिला सकते हैं, उसका प्ले मेजरमेंट ले सकते हैं। अभी हम रबर ऑफर लगा के दोबारा लगाएंगे, ये देखिए रबर ऑफर ऐसा लगा देने का फ्रेंड्स। ये पंप तो अभी बहुत कम हो गया फ्रेंड्स, तो ये पंप कबाड़ी वबाड़ी में बहुत मिल जाता है सेकेंड हैंड, तो ये कस्टमर ने उसको 22 चक्का MW का 909 का जो बड़ा वाला पंप रहता है उसको रिमूव करके ये पंप डाल रहा है। और इससे पहले भी मैं 5 6 अल्टर कर चुका हूँ, ये देखिए 10 डिग्री में जो अपन सेट किए ना पट्टी को, वही हिसाब से ये पट्टी पहले सेंटर में ही रखना है, ना पूरा नीचे रखना है ना पूरा ऊपर रखना है, वो सेंटर में ही रखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। ये पट्टी पूरा स्क्रू अगर कोई अगर आगे से नीचे हो गया होगा तो आप सेंटर में कर लेने का, और ये टाइमिंग लॉक उसमें लगा देने का, जो फ्लाईबेट है गवर्नर है जो गवर्नर असेंबली है फ्रेंड्स उसमें लॉक करके राउंड नट को हल्का टाइट मारना है। ये देखिए 10 डिग्री में हम सेट किए थे टाइपेड का पोजीशन को देख के, हाउसिंग लेवल से थोड़ा ऊपर होना अंदर साइड से, ओके। और इधर टाइमिंग लॉक लगा दिया हूँ फ्रेंड्स, और इसको राउंड नट सिम लगा के सिम और राउंड नट लगा के
थोड़ा टाइट मारेंगे, ये देखिए मैं टाइट मार रहा हूँ, पूरा टाइट कस की नहीं देना है, हल्का टाइट मारना है। हल्का टाइट मारने के बाद वो टाइमिंग लॉक जो लगा है फ्रेंड्स वो रिमूव करना है, रिमूव करके फिर फुल टाइट मारेंगे ऐसा हल्का मामूली सा टाइट मार के, फिर टाइमिंग लॉक हमारा जो रिमूव कर देंगे जो लॉक है ऐसा निकल देंगे। निकलने के बाद फुल टाइट मारेंगे फ्रेंड्स, ओके। इसको निकलने के बाद पूरा फुल टाइट मार देंगे गवर्नर को, ये देखिए फ्रेंड्स ऐसा पूरा फुल टाइट मारेंगे। अरे अल्टर का रीडिंग मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, अल्टर का रीडिंग बता रहा हूँ। और एक मेरे फ्रेंड फोन कमेंट किए थे कि मेरे को आरक्यूबी गवर्नर का पंप का रीडिंग का टेस्टिंग का वीडियो बनाओ करके, तो भी आप देख सकते यही हिसाब से बनाने का, क्योंकि मैं अल्टर कर रहा हूँ तो थोड़ा डिलीवरी ज़्यादा रख रहा हूँ, बाकी कोई रीज़न नहीं है। अब इसके साथ चार्ट के हिसाब से 2-3 CG बढ़ा के आप रख सकते हैं, रीडिंग मार सकते फ्रेंड्स, ठीक है। और फुल टाइट होने के बाद और एक बार देख लेने का टाइमिंग लॉक आपका बराबर हुआ कि नहीं, कभी कभी फुल टाइट करते समय भी इधर उधर थोड़ा हो जाता है फ्रेंड्स, तो अगर हल्का फुल्का इधर उधर हुआ तो जो पट्टी है सामने का पट्टी है उससे आप एडजस्टमेंट कर सकते, ऐसा ऐसा थोड़ा चेक कर लेने। और हल्का अगर टाइट करने में इधर उधर हो गया तो ये पट्टी जो है इसको थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते फ्रेंड्स हल्का मामूली सा, ओके, ऐसा आप मिला सकते फ्रेंड्स। हमारा फ्री स्टॉक हो गया, टाइमिंग लॉक हो गया। ये अंदर साइड का लेवल देखना है, का हाउसिंग का और अंदर साइड का लेवल देखना है। हाउसिंग से थोड़ा टाइपेड ऊपर होना, सामने से देखेंगे तो बहुत ऊपर रहता है फ्रेंड्स, सामने से कन्फ्यूज हो जाएंगे। अभी हमारा टाइमिंग लॉक हो गया है, अभी फ्लाईवेट इसको निकल देंगे। अभी फ्लाईवेट का ये मिलाएंगे फ्रेंड्स, पट्टी लगा के लॉन्ग बोल्ट लगा के स्लाइडर बोल्ट अगर मिल लगाएंगे, ठीक है। ये ऊपर का बोल्ट भी टाइट मार देंगे, हमारा फ्री स्टॉक कंप्लीट हो चुका है तो ऊपर का बोल्ट भी टाइट मार देंगे फ्रेंड्स। अरे जो पंप फ्रेंड्स मैं रीडिंग मार रहा हूँ, ये रीडिंग आप अगर कभी भी आपको अगर ऐसा प्रॉब्लम आता 909 का अगर अल्टर करना रहा ये रीडिंग रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये पट्टी बाई चांस कभी कभार क्रैक हो जाता है, देख के लगाना है, ठीक है। ये इसमें 2 बोल्ट आते फ्रेंड्स, ऐसा पहले पट्टी लगा देंगे। आपको मैं बोल रहा था ऐसा अगर रीडिंग रखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, मेरे तो 5-6 पंप अल्टर हो चुका है, ठीक है। वो पूरे पंप जो कंपनी वही कंपनी में ही किया हूँ, एक कंपनी में ऊपर पूरा 6-7 गाड़ी का पूरा पंप वो निकाल के फेंक दिया फ्रेंड्स, सभी में ATC का इनलाइन पंप डाला है गाड़ी में, ना कोई शिकायत नहीं है, ना धुआं का, ना पिकअप का, ना खिंचाई का, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर चलते फ्रेंड्स। लेकिन ओरिजिनल सामान डाल के अल्टर करेंगे, RC में तो मैं किया हूँ नहीं, और RC सामान नहीं डालेंगे फ्रेंड्स, RC का मेरे को तो इतना अनुभव भी नहीं है, मैं शुरू से ही बॉश डीलर में ही काम करता हूँ फ्रेंड्स। अरे स्लाइडर चेक कर लेंगे, ज़्यादा कटा होगा तो नहीं डालने का, हल्का फुल्का कटा, और ऐसे हिला के देखेंगे स्लाइडर बोल्ट को, ज़्यादा नहीं हिलना चाहिए, हल्का थोड़ा हिलता है फ्रेंड्स, और ज़्यादा हिल रहा होगा तो ख़राब है, ओके। अरे AC क्लाम बोलते फ्रेंड्स, AC क्लाम पे हल्का जो पैकिंग जितना मोटा रहता है फ्रेंड्स वही हिसाब से चाल होना चाहिए, थोड़ा जो हाउसिंग और सी क्लाम के बीच में पैकिंग के बराबर चाल होना चाहिए, ज़्यादा चाल नहीं होना कि ज़्यादा टाइट नहीं होना, उसको हल्का प्ले होना, ओके। ऐसा स्लाइडर बोल्ट और स्लाइडर लगा के लॉन्ग बोल्ट को थोड़ा उठा के उसके होल में स्लाइडर बोल्ट के होल में फंसा देने का फ्रेंड्स, फिर उसके नीचे लॉक लगाना है, लॉक लगाने का भूलने का नहीं फ्रेंड्स, वो फिर खुल जाएगा। जो भी नया भाई मेरे वीडियो देख रहे, जो एक लाइन में मतलब फ्यूल लाइन में नया ये काम सीख रहे, तो उनके लिए वीडियो अच्छा रहेगा, बेस्ट रहेगा फ्रेंड्स, आप देख सकते और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लेंगे। अरे ये जो है वहाँ पे जाता है फ्रेंड्स, ठीक है, कवर है, और वो यहाँ पे प्ले चेक कर लेंगे, वो पिन विन कभी कटा रहता, ठीक है। और इसके नीचे 2 सिम आते फ्रेंड, 2 से 3 नहीं आते, 2 आते हैं,
अरे ऊपर रहेगा देखिए, ऐसा प्लेन है, प्लेन और कोटरा टाइप का ऊपर रहेगा, प्लेन वाला नीचे वहाँ पे फंसेगा, आप उल्टा नहीं फंसा देने का। ऐसा थोड़ा एक हाथ अंदर डाल के पकड़ के, ये देखिए अंगूठी है के डाल के फ्रेंड्स दे देंगे, मैं फंसा दिया हूँ, फंसा के स्क्रू टाइट मारेंगे। ओके मैं स्क्रू टाइट मार लेता हूँ, फिर आगे बताऊँगा मतलब क्या करना है, कैसा रीडिंग रखना है फ्रेंड्स। ये देखिए पूरा स्क्रू मैं टाइट मार दिया हूँ, ये सेंटर का स्क्रू लगा देंगे। सेंटर का स्क्रू लगाते टाइम अगर कुछ प्रॉब्लम आया तो ऊपर में एक अंगूठी डाल के थोड़ा कंट्रोलर को ऊपर खींच लेने का और सेंटर का स्क्रू लगा देंगे, लग जाता फ्रेंड्स। ठीक है अभी सबसे पहले जो ये कटिंग स्क्रू है खोल लेंगे फ्रेंड्स। हम स्लाइडर बोल्ट पोजीशन को मिलाएंगे, चार्ट में देता है स्लाइडर बोल्ट पोजीशन क्या रखना है वो मैं दिखाऊंगा मैं फ्रेंड्स। तो स्लाइडर बोल्ट पोजीशन मिलाने के लिए हमारे को कटिंग स्क्रू खोलना पड़ता है। ठीक है आपको चार्ट क्लियर आ रहा है कि नहीं देखिए, अरे फ्री स्टॉक मिल गया है, अभी फुल लोड स्लाइडर बोल्ट पोजीशन ये देखिए लिखा है 1250 पे, 14.3 से 14.17.3 तक होना, तो मैं 17.3 नहीं रखता हूँ फ्रेंड्स, 19 के आसपास रखता हूँ। ठीक है 19 रखेंगे तो बराबर ये होगा फ्रेंड्स। ये डीजल प्रेशर बंद कर देंगे थोड़ी देर के लिए, ये देखिए मैं मशीन चालू कर दिया हूँ, अभी 1250 पे 19 रखेंगे फ्रेंड्स। कंट्रोल रैक में देखने का फ्रेंड्स 19 आना चाहिए, आरपीएम मशीन को पूरा 1250 पे लेना है और एक्सीलेटर को दबा के रखना है फ्रेंड्स। ठीक है एक्सीलेटर को दबा के रखना है और इधर 19 के आसपास आना चाहिए। 9 आ रहा बोले तो एक राउंड घूम के, एक राउंड बोले तो 10 घूम के वो 9 पे आया है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है वो 9 दिख रहा तो 19 ही है। अगर नहीं आ रहा तो फ्रेंड्स इसको जो फ्लाईवेट है उस स्क्रू को टाइट कर लेंगे, टाइट करेंगे तो वो बढ़ता है, खुलेंगे तो कम होता है फ्रेंड्स। ठीक है टाइट करेंगे तो जैसे अभी हमारा 1100 में ही 9 आ रहा तो टाइट करेंगे, लेकिन दोनों साइड बराबर टाइट करना है, ऐसा नहीं कि इधर से 2 टाइट मार दिए उधर से 1 टाइट मारे, ऐसा नहीं करना है, इधर 1 मारे तो दूसरे ऑपोजिट साइड में भी 1 मारना पड़ता। ठीक है और एक साइड पूरा टाइट मार दिए और दूसरे साइड ढीला करेंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा में फ्लाईवेट का जो स्प्रिंग व्रिंग रहता है वो वर्किंग प्रॉपर नहीं करेगा, फिर आपको प्रॉब्लम आ सकता है फ्रेंड्स। ठीक है अरे दोनों चूड़ी, 2 चूड़ी 3 चूड़ी बाहर दिखना चाहिए, उससे ज़्यादा भी टाइट नहीं करना है, अगर उससे ज़्यादा टाइट हो रहा है तो आपका जो स्लाइडर बोल्ट है फ्रेंड्स उससे थोड़ा प्ले करेंगे, वो प्ले बढ़ाएंगे तो बढ़ता है आरपीएम। ठीक है स्लाइडर बोल्ट का प्ले हल्का बढ़ा देंगे, उसको भी ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। ठीक है ये देखिए हमारा कंट्रोल रैक 9 के आसपास आ गया है, इसका स्लाइडर बोल्ट का जो पोजीशन है फ्रेंड्स फ्लाईवेट के जो लॉक का बोल्ट दिखाया वहाँ से भी एडजस्ट होता है और स्लाइडर बोल्ट के स्लाइडर बोल्ट से भी एडजस्ट होता है फ्रेंड्स। ये देखिए आरपीएम देखिए 1250 है, 1250 में कंट्रोल रेट को देखिए फ्रेंड्स हमारा 9 आ गया, 9 बोले तो 19 है, चार्ट में 7.3 दिया है लेकिन मैं 19 रख रहा हूँ। ओके कंट्रोल रैक पोजीशन है ये दोनों से मिलता है, ये कंट्रोल रैक स्लाइडिंग बोल्ट पोजीशन, सॉरी स्लाइडिंग बोल्ट पोजीशन मिलाने के बाद कटिंग स्क्रू लगा देंगे फ्रेंड्स। ओके कटिंग स्क्रू मैं लगा दिया हूँ। ओके फ्रेंड्स ये दोनों से आप स्लाइडिंग बोल्ट पोजीशन का सेटिंग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कटिंग स्क्रू नहीं लगाना है, ये यहाँ से सेट होता है लेकिन दोनों साइड बराबर टाइट मारना है। ओके स्लाइडिंग बोल्ट पोजीशन मिलाने के बाद अभी हम कटिंग स्क्रू लगा दिया, और कटिंग स्क्रू लगाने के बाद फ्रेंड्स अभी एमपीसी को लगाएंगे। एमपीसी को ले तो मैनिफोल्ड प्रेशर को जो ये का काम करता है, हवा एक्स्ट्रा हवा देगी कंट्रोल डिलीवरी क्वांटिटी को बढ़ाता है एमपीसी, उसका रूल है। ठीक है तो एमपीसी लगाने के लिए फ्रेंड्स ये गवर्नर को थोड़ा घुमा लेंगे, अंगूठी हमारा अंदर थोड़ा जाना चाहिए क्योंकि ये जो कट मार्क दिख रहा है वहाँ पे कवर का जो पिन है कंट्रोलर का जो पिन है फ्रेंड्स वहाँ पे फंसता है। ठीक है
अरे जो लॉक दिख रहा कवर में एक खूंटी सर गया, इसका इधर ही लेना है, उधर नहीं लेना है, जिधर अंगूठी गया इस साइड से ही डालना है फ्रेंड्स, ठीक है। क्योंकि कवर का जो पिन जो रॉड है लीवर है, वो लीवर का एक पिन होता है, वो इधर इधर इस साइड में रहता है फ्रेंड्स, तो इस साइड से ही लेना है उसको। ये देखिए वो होने के बाद हमारा फुल लोड का जो कंट्रोल रैक रहता है फ्रेंड्स, वो मिलाएंगे। ये देखिए फ्रेंड 301 और 669 का दोनों मिला कि, मैं दोनों चार्ट को मिला कि मेरा रीडिंग रख रहा हूँ। 301 में 11.5 कंट्रोल रहता है और 669 में 11.8 रहता है, तो हम दोनों का मिला के एक मान के चलते 11.8 के रखेंगे, ठीक है। तो उसको कंट्रोल रैक, वो कंट्रोल रैक को रखने के लिए ये फुल लोड पहले निकाल देंगे, दो स्क्रू निकाल के फुल लोड निकाल देंगे। ये अंदर में एक नॉट, दो नॉट आता फ्रेंड्स, उसे मिलाते ये, ठीक है। ये अंदर देख सकते हैं आप, इसको पहले ढीला करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। सबसे पहले एक्सीलेटर थोड़ा दबा के जीरो मिला लेने का, ऐसा जीरो मिला लेंगे, देखिए जीरो आ रहा है, ओके। इसे एक दो बार हिला के जीरो मिला लेंगे। जीरो मिलाने के बाद इसको हम 11.8 रखेंगे, ठीक है। इसे तो 297 का 12 रहता है, लेकिन ऐसा नहीं, 11.8 रखेंगे फ्रेंड्स। और एक्सीलेटर को दबा के रखना है फ्रेंड्स, और आरपीएम 600-700 में जो भी जितने में रखना है, 700-800 में रख देना है, और एक्सीलेटर दबा के रखना है, और इधर से प्रेस करना है। वो जीरो मिला के जीरो से वो 11.8 आना चाहिए प्रेस करने के बाद। ये देखिए मैं प्रेस कर रहा हूँ, ये 12.3 जा रहा है, उसको थोड़ा कम करेंगे, ओके। ज़्यादा जा रहा है फ्रेंड्स, कम करने के लिए दो उसका टूल्स आता है फ्रेंड्स, पहले उसको ढीला करेंगे, ठीक है। इसको ढीला करके थोड़ा टाइट मारेंगे फ्रेंड्स, टाइट मारेंगे, अंदर जाएगा तो कम होता है, खुलेंगे तो बढ़ेगा फ्रेंड्स। कंट्रोल रैक, कंट्रोल रैक अगर अंदर जाएगा तो टाइट होता मतलब कम होता है, और खुलेंगे तो बढ़ेगा, ठीक है। अगर कंट्रोल रैक कम होगा तो डिलीवरी कम होगा, डीजल कम होगा। कंट्रोल रैक ज़्यादा होगा तो डीजल भी बढ़ेगा, आपका डिलीवरी भी बढ़ेगा, ठीक है। गाड़ी में अगर कभी खिंचाई का पिकअप का ज़्यादा प्रॉब्लम आया तो आप इसे भी थोड़ा कम ज़्यादा से कर सकते हैं, ठीक है। वो मिलने के बाद फिर फुल लोड लगा देंगे फ्रेंड्स, जो तीन नंबर एल एंक कर रहता है वो फुल लोड लगा देंगे। ये दोनों साइड बराबर टाइट मार के लगाएंगे, ओके फ्रेंड। 11.8 हम मिलाए फुल लोड का जो कंट्रोल रैक है, वो मिलाने के बाद ये एल एंकी की देखिए, ये तीन नंबर एल एंकी वाला लगा देने का, ये एमपीसी का हवा वाला लगाना है, फिर रिटर्न वाला लगा के पाइप लगा देना है फ्रेंड्स। फिर अभी मशीन चालू करेंगे, मशीन चालू करने के लिए प्रेशर देंगे फ्रेंड्स, फ्यूल प्रेशर दे दिया हूँ, डीजल प्रेशर दे दिया हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए स्विचिंग अभी चेक करेंगे फ्रेंड्स, चालू करने के बाद स्विचिंग जो कंट्रोल रैक है वो 250-300 में लॉक होना चाहिए, ऐसे तो 250 से 300 रहता है कंट्रोल रैक। इधर मतलब ऐसा हिला के कम ज़्यादा करेंगे तो 300 पे कंट्रोल रैक लॉक होना चाहिए, आधा बीच में लॉक होना चाहिए। जैसे 100-200 में इधर से उधर पूरा चले जाता तो ऐसा नहीं जाना चाहिए, 300 में लॉक करना है। ऐसे अगर आप आर क्यू बी टी सी का पंप बनाएंगे तो ऐसे 250-270-280 रख सकते, लेकिन मैं 909 पंप के जगह में लगा रहा हूँ तो मैं 300 पे लॉक करूँगा इसको, ठीक है। और इसको अगर नहीं आ रहा है तो इसे आप मिला सकते हैं, अगर ज़्यादा जा रहा है तो फ्रेंड्स कम ज़्यादा हो रहा तो इसे मिला सकते हैं, ठीक है। अगर 300-400 पे लॉक हो रहा तो थोड़ा टाइट करेंगे, टाइट करेंगे तो कम होता फ्रेंड्स, और खुलेंगे तो ज़्यादा होता है, ठीक है।
कभी कभी फ्रेंड्स आप देखे होंगे बहुत लोगों ने, इसे तो अभी पंप बंद भी बंद होने में ही आ गया, तो सभी भाई को मालूम ही होगा। पहले जैसे गाड़ी में जाते थे तो बहुत स्टार्टिंग ट्रबल आता है, तो गाड़ी में भाई जाके थोड़ा स्विचिंग बोलते हैं इसको, स्विचिंग थोड़ा ये कर ले, खुल दे करके ऐसे भेज देते थे। अब जो भाई ये लाइन पे नया आए उनके लिए बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ये ढीला कर लेने का पहले नट को, और टाइट करेंगे तो कम होता है, खुलेंगे तो ज़्यादा होता है, ठीक है। स्विचिंग खुलने से वो क्या कंट्रोलर थोड़ा ज़्यादा जाता तो हमारा डिलीवरी थोड़ा ज़्यादा जाता तो गाड़ी चालू हो जाता, जैसे सामान वामान थोड़ा बहुत डाउन रहा तो। अभी फुल लोड में देखिए 1000 RPM में, मैं बोला था फ्रेंड्स 669 के हिसाब से मार रहा हूँ रीडिंग, 301 669 का। तो कंट्रोल रैक देखिए, कंट्रोल रैक फुल लोड का कंट्रोल मिलाने के बाद कटिंग मिलाएंगे, सब चार्ट में देख ही रहा था फ्रेंड्स। जो फ्रेंड मेरे को, एक मेरा फ्रेंड दोस्त कमेंट किए थे कि RQV गवर्नर का रीडिंग बताओ करके, तो फ्रेंड्स पूरा चार्ट में देख ही रहता है। सिर्फ इतना याद रखो कौन से टेस्टिंग के बाद कौन सा मैं सेट कर रहा हूँ, वो हिसाब से आप सेट कर सकते, ठीक है। फ्री स्टॉक होने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, फिर क्या कर रहा हूँ वो देख सकते। ये देखिए अभी कटिंग मिलाएंगे, कटिंग मिलाने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले जीरो मिला के बोल्ट से एडजस्ट होता कटिंग, ठीक है। टाइट करेंगे तो बढ़ेगा, खुलेंगे तो कम होगा, जैसे 1300 से 1325 कितना दिया एक मिनट देखेंगे चार्ट में, पहले देखेंगे। ये तो फुल लोड का कंट्रोल रैक है फ्रेंड्स, 1315 और 1325 में एक एम एम हटना चाहिए, तो उस ग्रुप से आप मिला सकते हैं। अभी फुल लोड है फ्रेंड्स देखिए 1000 पे 48 से 50 दिया है चार्ट में, अगर यही सेम 10 चक्का में लगा होता तो अपन यही 50-50 रखते होंगे, लेकिन मैं 900-922 चक्का में लगा रहा हूँ ये पंप को, तो मैं 50 के जगह में इसको ज़्यादा रखेंगे फ्रेंड्स, फ्यूल डिलीवरी ज़्यादा रखेंगे, ठीक है। ये देखिए 1000 RPM में रखा हूँ, कंट्रोल रैक देखिए 11.8 आ रहा है, बूस्ट प्रेशर 0.6, और डिलीवरी देखिए फ्रेंड्स मैं कितना रखा हूँ देखिए, ये कम ज़्यादा आ रहा है। अभी इसको मिलाएंगे फ्यूल को, ओके। इसको मिलाने के लिए कॉटन सिलू से मिलाना पड़ता है फ्रेंड्स, यहाँ पे 6 स्क्रू रहता है, वो पहले ढीला कर देंगे। ढीला करने के बाद जब मिलाएंगे फ्रेंड्स, मशीन को स्टॉप करना है, फिर कॉटन स्क्रू का जो कॉटन स्क्रू है वो ढीला करना है, वो ढीला करने के बाद फ्रेंड्स वो अपना कपनिंग साइड ड्राइव साइड तो ठोकेंगे तो कम होता है, और गवर्नर साइड ठोकेंगे तो ज़्यादा होता है फ्रेंड्स, इतना याद रखिए। इधर अगर आप लेंगे इस कॉटन सिलू को तो बढ़ेगा राइट साइड को, और लेफ्ट साइड को लेंगे तो कम होता है फ्रेंड्स, ठीक है। अपना इतना जो पुल्ली साइड कपनिंग साइड कम होता है, गवर्नर कवर साइड ज़्यादा होता है, ठीक है। अभी मैं मिलाता हूँ, देखिए 1000 RPM, कंट्रोल 11.8 आ रहा है, ओके। हमारा बूस्ट प्रेशर 0.6 रखा हूँ 669 के हिसाब से। ये देखिए हमारा फ्यूल डिलीवरी 12 आ रहा है, 12 ये सिंगल स्टॉक में लिया हूँ फ्रेंड्स, 5 स्टॉक में 12 × 5 गिना जाता है, 12×5=60 है, 500 स्ट्रोक में सिंगल स्टॉक में 12 रखा हूँ, और ये यहाँ से मिलता है, ये ढीला करके यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। अल्टर का रीडिंग फ्रेंड्स लिख लीजिए 1000 RPM में, बूस्ट प्रेशर 0.6, और डिलीवरी 12 रखना है, और उसके बाद मिलेंगे फ्रेंड्स दूसरा रीडिंग जो पार्सल बूस्ट प्रेशर बोलते हैं। पार्सल बूस्ट प्रेशर में 11 रखा हूँ फ्रेंड्स, देखिए 11 आ रहा, ठीक है, ओके फ्रेंड्स। फिर बूस्ट प्रेशर निकल देंगे, बूस्ट प्रेशर निकलने के बाद यहाँ से मिलता है पार्सल बूस्ट प्रेशर वाला जो 0.35 बूस्ट प्रेशर जो रखे थे वहाँ से मिलेगा फ्रेंड्स, ठीक है। और बूस्ट प्रेशर निकलने के बाद 3 नंबर LNK से मिलाते फ्रेंड्स, यहाँ से मिलाते 0 बूस्ट प्रेशर वाला जो रीडिंग है, इसको टाइट करेंगे तो कम होता, खुलेंगे तो ज़्यादा होता,
और चक्री को टाइट करेंगे तो ज़्यादा होता, खोलेंगे तो कम होता। तीन नंबर एलंकी को भी ये देखिए 550 RPM, इसको टाइट करेंगे तो ज़्यादा होता, खोलेंगे तो कम होता फ्रेंड्स। तीन नंबर एलंकी से बूस्ट प्रेशर निकल की एक कंट्रोल रखकर देखिए हमारा कितना आ रहा है, देखिए फ्रेंड्स 10.8 आ रहा है, ठीक है। और डिलीवरी हमारा 10 CC आ रहा है फ्रेंड्स, तो मैं 12 बीच वाला रीडिंग 11 CC और ये स्लो में 10 CC रखा हूँ। अभी फ्रेंड्स आइडल मिलाएंगे, आइडल का रीडिंग मिलाएंगे, ठीक है। आइडल 400 पे है, ये स्क्रू से मिलता फ्रेंड्स, ये पट्टी के स्क्रू में ए आर पी एम 400 है। कंट्रोल रैक हमारा 6.5 है, 4.5 के आसपास है कंट्रोल रैक। और डिलीवरी अभी देखिए 1.5 CC है फ्रेंड्स, ये 22 चक्का में लगा रहा हूँ करके 1.5 रख रहा हूँ, नहीं तो ऐसे 1 CC रखता हूँ, ठीक है। 1.5 CC के आसपास मैं रखा हूँ फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स। अभी उसके बाद हम स्टार्टिंग देखेंगे, स्टार्टिंग में हमारा कंट्रोल रैक पूरा 21 जाना चाहिए, ठीक है, फुल जाता है। यदि हमारा 21 जा रहा है स्टार्टिंग, इधर डिलीवरी पूरा धार लगना चाहिए, गाड़ी चालू करने के लिए लगता फ्रेंड्स। कभी कभी आइडल में फ्रेंड्स एक सिलेंडर में हल्का फुल्का आता है डीजल, स्टॉप लीवर खींचने से बंद होना चाहिए, तो कंडीशन में डिलीवरी का वो डिश वाशर डाल के देखना है, उससे नहीं होता तो दूसरा डिलीवरी वाल डालना पड़ता है, ओके। आप इसे पूरा रीडिंग होने के बाद ऐसा पूरा फुल टाइट स्क्रू व्रू पूरा टाइट मार लेंगे जो भी है, ओके फ्रेंड्स। इसे फुल टाइट मार लेने का, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। हमारा पंप अभी फाइनल रीडिंग हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आप भी ऐसा टेस्टिंग कर सकते हैं, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद फ्रेंड्स, बाय।